हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ। मुझे बताएं इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करके बताएं। इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो ये फंक्शन है आपके पास एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो इसको डिफाइन करें आप एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो जब इसका वैल्यू वन दे देंगे तो वन प्लस वन डेट इज़ टू डिवाइड बाई जीरो, वो ना डिफाइंड है तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन डिनोट किया जाता है लिमिट एल आई टी लिमिट या एल आई एम लिमिट। तो एक्स टेंड्स टू वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो अब इसको वैल्यू दे सकते हैं, इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका ये जो वैल्यू है एक्स ए इज इक्वल टू वन एक्सटेंड्स टू वन, एक्स वन नहीं है, एक्स वन नहीं है, एक्स वन के करीब है। दैट मीन्स 1.0001 भी हो सकता है, 1.00001 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वन के करीब, और या 0.9999 हो सकता है, या 0.9998 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे वैल्यू अब जब देंगे अप्रोच करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो उस टाइम नहीं आएगा। तो इसको इसी का मतलब है एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे फंक्शंस को हम इसी लिमिट से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। या आप देख लें इस फंक्शन का ग्राफ, हम जब बनाएंगे तो ग्राफ बना के देख लें। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स का वैल्यू जब वन होगा तो ग्राफ यहाँ से आ रहा है, लेकिन जब वैल्यू वन हो रहा है तो तब थोड़ा सा गे, फिर उसके बाद फिर फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस ग्राफ को इस यहाँ इस पॉइंट पे कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो इस डिफाइन करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट है वही है लिमिट का, वही है लिमिट का कंसेप्ट। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x + 3। आप ऐसा नहीं है कि आप यही वैल्यू पुट, तो हम यही वैल्यू करते हैं। तो देख लें लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, जब हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 + 3 दैट इज 6, तो आंसर हमारा मिला। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, पाई एक्स माइनस 22, तो पाई का वैल्यू आपको पाई माइनस 22/7, तो आप देख लें पाई माइनस 22/7 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एक्स आर का वैल्यू आपने क्या डालना है, 1 डालना है, तो आंसर क्या आएगा, पाई ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देख ले एक्सटेंड्स टू 1 4x + 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो आपको एक्स का वैल्यू क्या डालना है, 1 डालना है। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो उसके बाद हमने वैल्यू डायरेक्टली नहीं डालना है। तो अभी इन क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं तो वैल्यू हम डायरेक्टली डाल रहे हैं तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो डेट मीन 4 × 1 4 + 3 डेट इज 7, 4 + 4 = 16 + 3 = 19 डिवाइड बाई 4 - 2 दैट इज 2। तो फंक्शन फिर से डिफाइन हो गया। नेक्स्ट वाले में देख लें, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर देखेंगे, अगर एक्स रेज टू पावर 10 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 + 1, अगर एक्स का वैल्यू -1 डालेंगे यहाँ पे 1 आएगा, नीचे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। एक्स माइनस वन तो -1 रेज टू पावर 10 डालें, -1 रेज टू 5 और + 1, तो ये वाला वैल्यू आपका कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपका नीचे -1 -1 -2, तो आंसर ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। नेक्स्ट वाले में देखें x + 1 रेज टू 4 रेज टू 5 - 1 एक्सटेंड्स टू 0, अगर आप 0 भी दे देंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख लें फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, फंक्शन जब दे देंगे आप वैल्यू 0 + 1 1 रेज टू 5 1 तो होता है 1 - 1 0/0 फार्म आ गई। तो इस वैसे फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपके पास कुछ स्पेशल लिमिट्स हैं वो आपने यूज़ करनी है। तो लिमिट है आपके पास एक्स रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर a वन एक्सटेंड्स टू ए एक्स माइनस ए डिवाइड, तो होती है n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देख लें, अगर हम क्या करें, हम इसको ही करके देख लेते हैं। तो हम अगर हाँ -1 नहीं कर सकते, +1 ठीक है, इस पूरे को आप एक्स मान लें एक्स, और ये -a आपका 1 है, तो एक्स कितना है, एक्स आपका +1 है, तो नीचे आप +1 - 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक टर्म मिलेगी और ये दूसरे टर्म, ठीक है। तो आप फार्मूला यूज़ करें एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो क्या आएगा, तो ये आएगा फार्मूला है एन इंटू एक्स रेज पावर ए माइनस एन इंटू एक्स, एन कितना है 5, 5 इंटू एक्स रेज ए कितना है 1, रेज टू पावर 5 - 1 तो 4, 5 × 5 = 1 - तो आपका आंसर मिल गया। समझ आ गया आपको मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ x + 1 रेज टू पावर 5 - 1
सॉरी माइनस माइनस वन डिवाइड बाई जो एक्स था, तो इस एक्स को मैंने प्लस वन किया और माइनस वन किया, क्यों? क्योंकि ताकि मेरा एक्स दोनों जगह पे सेम रहे, और माइनस ए एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन, वन का पावर फाइव कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो फार्मूला हमारा बनता है, तो फिर फार्मूला हमने यूज़ किया। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लें, अगर हम एक्स का वैल्यू टू दे देंगे, टू टू या फोर माइनस फोर, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है डिनोमिनेटर में, देख लेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइज कर सकते हैं इसको इसको, तो नीचे आपको पता है नीचे वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर होता है फोर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके थर्टी आना चाहिए, प्लस माइनस करके वन आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके थर्टी आना चाहिए, तो आपको पता है सिक्स फाइव थर्टी सिक्स और फाइव करेंगे तो यूज़ करके हम इसका फैक्टराइबल ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो बाद में जो फैक्टर हमारे दो मिलेंगे एक्स माइनस टू, तो ये वाले बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर ये वाला है और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे बच गया थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, तो फिर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट में देखें, एट जो क्वेश्चन है आपका एक्स रेज़ टू पावर फोर माइनस एटी वन, तो इसको आप लिख सकते हो थ्री रेज़ टू पावर फोर एक्स रेज़ टू पावर फोर डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर फोर, वैल्यू पुट करेंगे इसे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वो वैसे हम कर नहीं सकते, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आप देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हो एक्स रेज टू पावर फोर माइनस थ्री रेज टू पावर फोर, कोई फ़र्क पड़ा तो एटी वन आएगा, और नीचे वाले को फैक्टराइज आपने वैसे ही करना है, तो थ्री टू या सिक्स और फाइव, थ्री प्लस टू करोगे फाइव, तो फैक्टराइज करोगे तो आपके ये दो फैक्टर मिलेंगे थ्री माइनस एक्स टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, अब मैं ऊपर वाले को करता हूँ अलग से, देख लें मैं ऊपर वाले को अलग से करूँगा, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस थ्री रेज टू पावर फोर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर टू टू माइनस थ्री रेज टू पावर टू टू, कोई फ़र्क मत पड़ेगा, तो अब ये फन गया फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए प्लस बी है माइनस बी, तो एक्स स्केयर माइनस थ्री स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस थ्री स्केयर, तो ये इसको फिर से खोलेंगे अब ये वाला ऐसे ही रहेगा, तो ये आप देख लें वैसे ही है, तो एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री और एक्स स्केयर माइनस नाइन, तो ये वाला और ये वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देख लें एक टर्म कैंसिल हो जाती है, उसके बाद जो बच गया वो आपकी नेक्स्ट टर्म कहलाएगी, तो एक्स प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस नाइन डिवाइड बाई टू एक्स प्लस वन, तो अब आप एक्स का वैल्यू थ्री पुट कर लें, जब एक्स का वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका मिलेगा 100/17, तो आज की इस में हम सिर्फ नाइन ही क्वेश्चन एट ही क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो अपने लिमिट में एक एक ख्याल रखना है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो गया तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना है, तो या लिमिट स्पेशल केस यूज़ करने हैं या इसको फैक्टराइज से टर्म्स कैंसिल करने की कोशिश करनी है, तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे।